गाइस नमस्ते, वेलकम, स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। मैं पूनम, आज मैं बनाने वाली हूँ टमाटर की खट्टी मीठी चटनी, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। और इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का प्रेस कीजिए, ताकि मेरी अगली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, मैंने टमाटर की चटनी के लिए देखिए क्या इंग्रेडिएंट्स रखा है। 1 किलो टमाटर ले लिए है मैंने, एक पचफोरन है, नमक, लाल मिर्च और ये लहसुन है जो मैंने कूट लिया है, गुड़ लिया है मैंने 1 पाव और ये मखाने हैं और ये किशमिश है और मैंने तेल लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी कढ़ाई हो गई है गरम और मैंने इसमें पचफोरन डाल दिया है। ये पचफोरन डालने के बाद अब मुझे डालना है लाल मिर्च। फोरन लाल हो चुका है, अब मैं इसमें ये डाल रही हूँ लहसुन और मैं डाल रही हूँ साथ ही साथ ये लाल मिर्च मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसके बाद मैं डालूंगी ये टमाटर जो मैंने कट करके रखे थे। आपको ये श्योर कर लेना है कि टमाटर एकदम पके हुए रहने चाहिए, कच्चे नहीं टमाटर रहने चाहिए। पके पके टमाटर जो रहता है उससे अच्छी बनती है चटनी। तो इसे हमें पकाना है 20 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। फ्रेंड्स, ये टमाटर देखो मैंने जो डाल दिया, अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी ताकि ये टमाटर थोड़े गलने लगे। तो ये मैं टमाटर डालने के बाद मैं इसे और ढक दे रही हूँ। मैं ऐड करूंगी गुड़, मैं इतना ये गुड़ इसमें डाल दे रही हूँ ताकि ये गुड़ भी साथ में पके। गुड़ डाल दिया है, इसका पानी पूरा हमें सुखा देना है। वेल फ्रेंड्स, ये देखिए इसका कलर कैसा आया है और इसने पानी कितना रिलीज कर दिया है। तो इसे हमें पकाना है 10-15 मिनट के लिए और, ताकि इसका सारा पानी सूख जाए। वेल फ्रेंड्स, इसे हमें उबलते देना है और इसे ऐसे ऐसे दबाते रहना है ताकि इसमें गुठलियां ना रहे। देखिए इसका कलर कितना बढ़िया आया है। वेल फ्रेंड्स, ये देखिए 10-15 मिनट हो चुके हैं और पानी इसका अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो हमें और इसे पकाना है 10-15 मिनट के लिए ताकि ये पूरी तरह से सूख जाए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे मखाने और किशमिश। मैं अब गैस को बंद करने वाली हूँ और इसमें डाल रही हूँ मैं किशमिश और ये मखाने भी डाल दे रही हूँ। कितना प्यारा लग रहा है। तो ये मैंने गैस को बंद कर दिया है। इसे एज अ केचप भी हम यूज कर सकते हैं, समोसे के साथ खा सकते हैं और पराठे के साथ खा सकते हैं। जब भी कोई सब्जी ना खाने का मन करे तो आप इसे खा सकते हैं। तो ये कितना डिलीशियस चटनी बन के हो गया है तैयार। ये देखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए और मास्क जरूर लगाइए।